हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं मंजू और आप देख रहे हैं मंजू की बगिया। फ्रेंड्स, ये मेरे यहाँ किचन से निकले हुए वेस्ट मटेरियल हैं। मुझे समझ में नहीं आता इसे फेंकें या इसे इस्तेमाल करें। कुछ मेरे भाई बहन ऐसे हैं जो समझ नहीं पाते हैं कि इनका करना क्या है। तो आज मैं इस वीडियो में यही बताने वाली हूँ कि मैं इन वेस्ट मटेरियल का क्या करने वाली हूँ। हालांकि ये थोड़े गीले हैं, अगर सूखा मटेरियल हो तो भी हमारे इस्तेमाल का है, और अगर इस तरह से गीला मटेरियल है तो भी हमारे यूज़ का है। तो चलिए इसे अपने गार्डन में इस्तेमाल में लेते हैं। किस तरह से इसे लेना है, यही हमारी आज की इस वीडियो में है। तो आप हमारे वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा, पसंद आने पे लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर करिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को भी प्रेस करिएगा ताकि हमारी आने वाली नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। यहाँ हमारे किचन में कई सामान ऐसे होते हैं जो वेस्ट होते हैं, जो कि यहाँ पर आप देख रहे हैं कुछ गोभी के टुकड़े हैं जो पुराने हो गए हैं, और इन्हें फेंकने के बजाय मैं इन्हें अपने गार्डन में इस्तेमाल करना ज़्यादा ज़रूरी समझती हूँ। जिस भी वेस्ट मटेरियल को हम फेंक देते हैं कूड़ा कचरा समझकर, वो हमारे बहुत काम का है। अगर हमारे पास कहीं गाय वगैरह हैं, जानवर हैं, तो उन्हें डाल दिया जाए तो वो ये उनका आहार है। लेकिन अगर जहाँ गाय वगैरह नहीं हैं, जहाँ जानवर नहीं आते हैं, हम टेरेस पर गार्डनिंग करते हैं, तो इसे अपने गार्डन में इस्तेमाल में ले सकते हैं। यही मैं आज इस वीडियो में बताने वाली हूँ। आज तक जितना भी वेस्ट मटेरियल था, सब हम सभी ने कंपोस्टिंग की है, अपने पॉट में डाला हुआ है, इसे भी किस तरह से यूज़ में लेते हैं, आइए वीडियो में देखते हैं। यहाँ पर मैंने एक पॉट लिया हुआ है और पॉट में मैंने ड्रेनेज होल कवर किया हुआ है। अगर इसमें आप प्लांट लगाना चाहते हैं तो इस मटेरियल का यूज़ बहुत ही ईजिली किया जा सकता है। मैंने ड्रेनेज होल कवर करने के बाद में इसमें थोड़ी सी मिट्टी डालनी है। कभी भी आप वेस्ट मटेरियल को यूज़ में लेते हैं तो नीचे पहले थोड़ी सी मिट्टी को डालें। नीचे और ऊपरी सतह में जब मिट्टी होती है तो जो वेस्ट मटेरियल होता है वो डीकम्पोज बहुत जल्दी होता है। तो इस तरह से मैंने बेस में मिट्टी डाली है, अब इस मटेरियल को डालेंगे। इस तरह से वेस्ट मटेरियल डालने के बाद में हम वापस से इसमें मिट्टी डालेंगे। नीचे सतह में मैंने मिट्टी डाली हुई है और बीच में मैंने मटेरियल डाला हुआ है, अभी इसमें वापस से मिट्टी डालेंगे। अगर इस तरह से डाल करके रख दिया जाए तो ये धीरे धीरे डिकम्पोज हो जाएगी और नीचे अच्छी खाद बन करके तैयार हो जाएगी। लेकिन अगर हमें इसे रखना नहीं है, इंतज़ार नहीं करना है, तो हम डायरेक्ट इसी में प्लांट लगाएंगे। आज मैं कौन सा प्लांट इसमें लगाने वाली हूँ, चलिए वो भी दिखा देते हैं। यहाँ पर मैंने कॉस्मोस लिया हुआ है और कॉस्मोस एक बहुत ही अच्छा फ्लावर प्लांट होता है। तो ये पॉलीथीन में है, अभी हम इस पॉलीथीन को निकालेंगे और इसे लगाएंगे। तो चलिए पहले इसे निकाल लेते हैं। यहाँ पर मैंने इन प्लांट्स को निकाल लिया है। इसमें तीन चार प्लांट हैं और प्लांट तो बहुत छोटे हैं, और इसी में मैं इसे लगाने वाली हूँ। तो कुछ करना नहीं है, केवल इसे सेंटर पर रखना है और फिर बाहर से मिट्टी अच्छी तरह से कवर कर देनी है। तो चलिए इसे कर देते हैं। इस तरह से मैंने इसे लगा दिया है और साइड से मैंने मिट्टी से कवर कर दिया है। अभी मैंने इसमें मिट्टी ज़्यादा डाली है क्योंकि जैसे जैसे मटेरियल नीचे बैठेगा, गलेगा, वैसे वैसे ये मिट्टी बैठेगी, और जब मिट्टी ज़्यादा बैठ जाएगी तो ऊपर से हम थोड़ी मिट्टी और डालेंगे, लेकिन अभी नहीं, जब मिट्टी बैठ जाएगी। क्योंकि मटेरियल गीला है, धीरे धीरे वो नमी जब इसमें मिलेगी तो वो गलेगा, गल कर नीचे बैठेगा, तब ये मिट्टी नीचे जाएगी, और जब मिट्टी नीचे चली जाएगी तो हम ऊपर, प्लांट भी ऊपर बढ़ता रहेगा, और जब मिट्टी नीचे जाएगी तो हम इसमें ऊपर से थोड़ी सी मिट्टी डालेंगे और इस प्लांट को सेफ और सुरक्षित रखेंगे। तो इस तरह से हम वेस्ट मटेरियल का यूज़ कर सकते हैं जो मेरे यहाँ किचन में निकलते हैं। मैं उन्हीं को इस्तेमाल में इस तरह से पॉट में ले लेती हूँ और हमारे गार्डन में सभी प्लांट अच्छी तरह से चलते रहते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक को लेकर के, तब तक के लिए बाय।